हाय गाइस, मेरा नाम है गुड्डू प्रजापति। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा टेली 9.0 में कैसे TCS टैक्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं TCS टैक्स कैसे लगाते हैं। टेली को पहले हम ओपन करते हैं, टेली को ओपन कर लीजिए, टेली को। ठीक है, टेली में कंपनी बना लीजिए। TCS टैक्स के नाम से एक कंपनी बना लीजिए, क्रिएट कंपनी। देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन में हमको क्रिएट कंपनी के डायलॉग ऑफ कमांड को चूज करना है। यहाँ TCS के नाम से TCS टैक्स कंपनी 2019, एड्रेस सिराथू कोसाम्बी इंडिया। @gmail.com जो भी चीजें हैं यहाँ सही से भरिए। ठीक है, अकाउंट विथ इन्वेंटरी ले लीजिए, पासवर्ड देना तो दे दीजिए, नहीं तो सीधा सीधा एंटर कराते चले आइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया सारी चीजें, इसलिए मुझे जल्दी से प्रोसेस करना है इसको, ज्यादा लंबा वीडियो ना जाए। इसके बाद देखिए आपको कंपनी का फीचर्स करना है। कंपनी का फीचर्स करने के लिए F11 की दबाएंगे। F11 के लिए दबाते ही आप यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा स्टेटरी एंड टैक्सन। ठीक है, आपको स्टेटरी एंड टैक्सन पे आना है, कंपनी फीचर स्टेटरी एंड टैक्सन पे आना है और आपको यहाँ से ढूंढना है TCS टैक्स। देखिए ऑलरेडी आपने ये सारे टैक्स पढ़ चुके हैं, आपका नंबर जो है टैक्स पढ़ने का वो है TCS टैक्स। ठीक है, तो ये आप TCS टैक्स में आ जाइए, कुछ इस तरीके से टैक्स आपका होगा TCS टैक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको आप एस करिए। ठीक है, यहाँ से एस करेंगे इन, देखिए ये आपका लिखा इनेबल, थोड़ा हम जूम करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेट ऑफ लीकल्टर, इन दोनों ऑप्शनों को आपको एस करना है। ठीक है, यस करिए। यस करते ही आप जैसे एंटर करेंगे, एंटर करते आपको देखिए यहाँ पर TCS ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, TCS कलेक्टर डिटेल्स का ऑप्शन आ गया। इसमें आपको TCS टैक्स की सारी जानकारी भरनी है, यहाँ आपको लिखना है टैक्स असेसमेंट नंबर 56/UP। यहाँ पे इनकम टैक्स सर्किल होता है वर्ड TCS, इसमें आप भर दीजिए TCS। यहाँ गवर्नमेंट भी देता है और अदर, हम यहाँ गवर्नमेंट के थ्रू नहीं काम कर रहे, हम अदर में काम कर रहे हैं तो अदर सिलेक्टेड करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। यहाँ नेम ऑफ पर्सन का नाम डालिए, जिस व्यक्ति का टैक्स वगैरह भरना है यहाँ पे डाल दीजिए। डिजाइनेशन में आपको क्या आप किस पद पे ये काम कर रहा है वो डालिए, अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर दे दीजिए और यहाँ से एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, और एंटर कराते हुए चले आएंगे आप कुछ इस तरीके से, एंटर कराते हुए चले आएंगे। आपकी कंपनी की फीचर्स की सारी जानकारी मैंने एक्सेप्ट करा दी है, अब बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे अकाउंट इन्फो में आएंगे, अकाउंट इन्फो में आने के बाद आपको लेजर दिखाई देगा। ठीक है, लेजर में आपको मल्टीपल, देखिए आपको सिंगल पे काम करना है, मल्टीपल पे नहीं काम करना है, तो सिंगल लेजर पे आपको आना है। ठीक है, जिसमें आपको कैपिटल का लेजर बनाना है, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में सिलेक्टेड करना है और उसी तरीके आपको भरना है सारी चीजें, इस तरीके आपको बैक पिछले वाली वीडियो में बताया गया था। इसके बाद आपको परचेज का लेजर बनाना है, परचेज को आपको परचेज अकाउंट में डालना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर आपको सेल्स का लेजर बनाना है, सेल्स को आपको सेल्स अकाउंट में डालना है। फिर आपको एक कस्टमर का नाम बनाना है जिसका नाम है मिस्टर HP। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर सेलेक्ट करना है, जो कि पार्टी जिसको हम बेचेंगे सामान उसमें टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर में आप जाइए,
और यहाँ से टी सी एस ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा आपको दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से। देखिए आपको दिखाई पड़ेगा इज टी सी एस अप्लीकेबल, यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन की इस ऑप्शन को आपको एस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उसको भरना होता है आपको, ठीक है। भरने के लिए आपको यहाँ बायर लाइसेंसी वर्जन देखिए, यहाँ पे आप बायर लाइसेंसी वर्जन को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटेल भरेंगे आप, यहाँ पे बायर लाइसेंसी ऑप्शन ले नहीं रहा आपको, यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ आप कंपनी रेसिडेंट ले लीजिए, यहाँ पे आप इसको एस करेंगे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसीलिए, यहाँ पे आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको कितने परसेंट लोअर रेट लगाना, ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं सेक्शन नंबर, सेक्शन का मतलब होता है धारा, किस धारा के तहत ये टीसीएस टैक्स को लागू किया गया था वो चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो ठीक है। 206 सेक्शन, जैसे आप धाराएं देखते हैं 206 305 कुछ करके ऐसे धाराएं होती हैं, तो जब इस टैक्स को लागू किया गया था यूपी में तब यहाँ पे 206 धारा लगा के लागू किया गया था, तो मैं यहाँ 10% का टीसीएस टैक्स देता हूँ और यहाँ से एंटर कराते हुए चले जाएंगे। जो भी टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ भर सकते हैं, भरना चाहें। अब आपको टीसीएस टैक्स कहाँ लेजर बनाना होगा, टीसीएस टैक्स एट द रेट यहाँ पे 10%, इसको आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालना है सीधा सीधा, और आपको यहाँ से एंटर करते हुए चले जाना, आपको टीसीएस यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ लिखा होगा टैम्बर ओरिएंटेड अंडर फॉरेस्ट लेस, टैम्बर ओरिएंटेड अंडर फॉरेस्ट लेस, कुछ इस तरीके की आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट करा देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके टीसीएस टैक्स सारे लेजर क्रिएट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाकर आपको सर्वप्रथम यूनिट्स ऑफ मेजर जनरेट करना है, कुछ इस तरीके का आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप चले आइए, यहाँ पे बना लीजिए, जैसे आपको पीसीएस में मेंटेन करना है पीसीएस सेलेक्ट करिए, पीसीएस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक यूनिट हमने बना लिया, बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस तरह का, स्केप की दबाइए। अब आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप, ठीक है, स्टॉक ग्रुप में चले आइए, तो आप जैसे स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का, ठीक है। इसमें आपको बनाना है कंप्यूटर शॉप डिजाइन करना है, यहाँ से कंप्यूटर शॉप बना लीजिए ग्रुप, यहाँ पे आकर इसको यस कर दीजिए, फिर इसके बाद आप बैक आइए, बैक आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कि आपको दिखाई पड़ेगा आइटम्स, आप यहाँ आइटम में आ जाइए, आप यहाँ से आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम देखिए यहाँ पे जैसे कंप्यूटर शॉप से हम क्या खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर ले लीजिए, कहाँ से आता है तो आप बताएंगे कंप्यूटर शॉप से आता है, तो कंप्यूटर शॉप आप सेलेक्ट करेंगे, पीस में मटेरियल में था पीस में आप सेलेक्ट कर लीजिए। माउस खरीद लीजिए आप यहाँ से, जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है वो प्रोडक्ट आप यहाँ से ले लीजिए। कीबोर्ड आपको लेना है आप कीबोर्ड ले लीजिए, यहाँ से कुछ इस तरीके से आप सारी चीज़ें ओपन करें, ठीक है। आपके सारे आइटम्स मेरी क्रिएट हो चुके हैं, अब आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब आपको एंट्री करनी है, ठीक है। एंट्री करने के लिए सर्वप्रथम आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर यानी बिजनेस शुरू करना है, कैश टू कैपिटल ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ से आप बिजनेस को शुरू कर लीजिए और ऐसे एक्सेप्ट करते हुए यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसमें लिखना है आपको जो भी आपने दिया 10 लाख रुपीज दिया, आपने 10 लाख रुपीज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको करना है सामान खरीदना है, यहाँ से F9 करेंगे, यहाँ से नगद आप कोई सामान खरीद लीजिए, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, यहाँ कंप्यूटर आपने बनाया कहते 25 पीस आप खरीदना चाहते हैं, 18,000 का एक आपका वो है, ठीक है, जो देखिए ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। आप यहाँ चले जाइए कीबोर्ड में आ जाइए, कीबोर्ड खरीद लीजिए, कहते 30 पीस कीबोर्ड आप यहाँ से ले लीजिए, कहते हैं 350 रुपये का कीबोर्ड है। और आप यहाँ चले जाइए माउस ले लीजिए, कहते हैं माउस कह रहे हैं 600 पीस ले रहे हैं, कह रहे हैं एक पीस की कीमत 150 रुपये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप खरीद लेंगे और आप यहाँ पे आते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ से यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश,
परचेज गुड्स फॉर कैश, जो भी आपने अमाउंट का खरीदा वो अमाउंट आप डाल दीजिए यहाँ पे। इसे 5,50,000 का आपने मटेरियल खरीदा, 5,50,500 रुपए का आपने मटेरियल खरीदा, ठीक है, इसे एक्सेप्ट कराइए। अब आपको बेचना है, जो आपका टैक्स लगेगा, जो इनकम टैक्स है, सर्विस ये टीसीएस टैक्स को हम एक इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब हम इनकम टैक्स कब लगता है, जब हम सामान को बेचते हैं तभी इनकम टैक्स लगता है, ठीक है, और खरीदते वक्त कोई टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स जब हमको कोई, जैसे हम सामान बेचे हमको पैसा मिला तभी हमको इनकम होती है, जब इनकम होती है तभी हमको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये होता है टीसीएस टैक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एचपी पार्टी, जिस पार्टी को टैक्स भरना हो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर कराते, ये सब डिटेल होती है, सब भर सकते हैं आप, आपको एक कंपनी सब अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। कंपनी सारी जानकारी आपको मिलेगी, कंपनी की जानकारियाँ सारी चीज़ें भरनी होती है और यहाँ से एंटर कराते चले जाएंगे। आप जैसे कंप्यूटर बेच रहे हैं, यदि दो पीस बेच रहे हैं, 18,500 का बेच रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्पेस करेंगे। कीबोर्ड आप बेच रहे हैं, कह रहे कीबोर्ड आप 10 पीस बेच रहे हैं, कह रहे एक कीबोर्ड की कीमत 360 रुपये है। आप माउस बेच रहे हैं, कह रहे हैं माउस आप 20 पीस बेच रहे हैं, कह रहे हैं एक माउस की कीमत 160 रुपये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप जैसे यहाँ से स्पेस करेंगे वैसे आपको एक टीसीएस की लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ लेजर, देखिए लिखा आपको लिस्ट ऑफ लेजर ऑफ अकाउंट, इसमें से आपको सेल्स को नहीं सेलेक्ट करना, आपको टीसीएस टैक्स लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ टीसीएस टैक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ से एंटर कर देना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी डिटेल सही से टैक्स आपका कट जाएगा कुछ इस तरीके का। देखिए जी आपका टैक्स ऐसे ये टीसीएस टैक्स डिटेल दिखाई पड़ेगी, टीसीएस टैक्स की डिटेल आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगी। देखिए जी आपका ग्रॉस अमाउंट होता है, कुल अमाउंट आपका है 43,800 रुपये है, ठीक है, इतना आप, इतने का आपने सामान बेचा, ठीक है, इतना आपको फायदा होने वाला है। फायदा कितना हो रहा है ये नहीं पता आपको, लेकिन यहाँ पे आपको 43,800 रुपये आपके जेब में आ रहे हैं, ठीक है। जी आपको दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स, अगर आपको 10% उसमें टैक्स भरना पड़ रहा है तो आपको 43,800 रुपये में से कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यहाँ 4,380 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसी में कुछ बीच के खर्च हो जाते हैं, सरचेज है और सेस है, ये भी बीच के कुछ खर्च होते हैं, तो आपको टोटल मिलाकर 438 रुपये और 10% आपको देने पड़ेंगे और आपके सेस में आपको 2% और 96 पैसे आपको और देने पड़ेंगे, 96 रुपये है, सॉरी 96 पैसे नहीं 96 रुपये है, ठीक है। तो आपको टोटल मिलाकर आपको कितना देना पड़ रहा है यहाँ पे 49,414, ठीक है, 49,414 रुपये आपको टीसीएस टैक्स भरना पड़ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और टोटल मिलाकर आपका अमाउंट इतना होगा और यहाँ से आप इंटर कराते हुए चले जाइए, जिसे कहते हैं इनकम टैक्स, यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए और यहाँ से आप आकर लिख लीजिए सोल्ड नरेशन में गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मिस्टर एचपी इक्वल जितना इसको टैक्स भरना पड़ रहा है वो यहाँ टोटल आप चाहते 48,714, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो टीसीएस टैक्स का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।